उत्तर प्रदेश के शामली झिंझाना थाना क्षेत्र के मेरठ करनाल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर बाइक व कार की जबरदस्त भिड़ंत हुई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बाइक के परकच्चे उड़ गए, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला व एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक महिला का नाम समीना बताया जा रहा है। समीना 8 माह के गर्भ से थी। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक्सीडेंट का केस आया था, उसमें 3 लोग आए थे। जो महिला थी वो तो डैडी थी, जब आई प्रेग्नेंट भी थी वो, और 2 लोग और थे, वो भी गंभीर अवस्था में थे, उन्हें रेफर करते हुए। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में बढ़ती ठंड से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं यात्रियों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अलाव ही एकमात्र सहारा दिखाई दे रहा है। लोगों को काफी दूरी का सफर तय कर अलाव को ढूंढने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था में चूक दिखाई दे रही है। एक तरफ प्रशासन द्वारा कंबल वितरण का दावा किया जा रहा है, लेकिन प्रतिदिन गिरता तापमान चिंता का विषय बना हुआ है, जबकि प्रशासन का दावा है कि अलाव के लिए हर संभव प्रयास कर लिया गया है। वहीं कुछ ग्रामीण व जनप्रतिनिधियों का कहना है कि प्रशासन द्वारा अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अलाव जलाने के कोई प्रशासनिक आदेश हमको नहीं मिला है। मैं जब 2010 से प्रधान हुआ, जब से ही मैं इस गांव के बीच अलाव जलाने का काम करता हूं। मैं किसी निधि से पैसा नहीं खर्च करके अलाव जलाता हूं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में मानव चेतना सोसाइटी वेलफेयर के तत्वाधान में भैरव कॉलोनी में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का क्षेत्रीय जनता ने सम्मान एवं भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने भैरव कॉलोनी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर जल्द ही समाधान करने के लिए क्षेत्रीय जनता को आश्वस्त किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भैरव कॉलोनी व आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए जर्मनी सरकार के सहयोग से 342 करोड़ रुपए की लागत से योजना तैयार की जा रही है, जो कि जल्द ही सामने होगी। महामंडलेश्वर 1008 स्वामी मैत्रीगिरी के द्वारा बताया गया कि मंगलोर में पहली बार समाज की सुख शांति के लिए महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिससे पहले पूरे कस्बे में कलश यात्रा निकाली जाएगी। महामंडलेश्वर मैत्रीगिरी के द्वारा राजनीति के मुद्दे पर बात करते हुए कहा है कि राजनीतिक पार्टियां समाज में जहर घोलने का काम कर रही है, समाज को राजनीतिक पार्टियों से बच के रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन दोनों समाज के लोगों को करना चाहिए। महामंडलेश्वर मैत्रीगिरी ने कहा है कि भाजपा सरकार या मोदी प्रवीण तोगड़िया का एनकाउंटर नहीं करना चाहते, क्योंकि वह एक उच्च पद पर बैठे हुए हैं। प्रवीण तोगड़िया को किसी और से भी जान का खतरा हो सकता है। देश जो है वो राजनीति से नहीं चलता है, देश चलता है समाज से, और इस बारे में समाज को सोचना चाहिए, समाज को चिंतन करना चाहिए कि हम हमारे साथ सही व्यक्तित्व कौन है और हमको सही रास्ते पर कैसे चलना चाहिए। अगर राजनीतिक पार्टियां देश में जहर ना घोलती तो 700 वर्ष तक हमारा देश गुलाम ना रहता। देखिए मोदी जी का तोगड़िया जी ने अपने मुंह से नहीं लिया है ना, क्योंकि तोगड़िया जी का बयान ये नहीं था जी। ये कोई भी अपनी तरफ से बना करके कहता है तो वो अलग बात है। तोगड़िया जी की तबीयत खराब हुई है और वो बेहोश हो गए थे और उसके बाद वो हॉस्पिटल में है। अब किसने आपस में अफवाह उड़ाई है, ऐसा ना मोदी जी कर सकते हैं और ना तोगड़िया जी बोल सकते। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।